हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करती हूँ आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आज है वेंसडे मॉर्निंग और बाहर का मौसम एकदम घुटासा हुआ है, ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ बरसात होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से, ब्रेकफास्ट बनाने से। अभी मैं अपनी गैस को असेंबल करूँगी। जो भी कल एसेसरीज थी ना, वो मैंने वॉश करके रखी थी अच्छे से ड्राई करके, और अभी मैं सबसे पहले इसको असेंबल करूँगी। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि प्रिया, इलेक्ट्रिक गैस ज़्यादा बेटर है या ये फ्लेम वाली गैस? ऑनेस्टली फ्लेम वाली गैस मैंने US में फ़र्स्ट टाइम यूज़ करी है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। बहुत ज़्यादा हैसल भी नहीं है इसे क्लीन करना, ईजिली क्लीन हो जाती है और कुकिंग टाइम काफ़ी कम हो गया है, तो मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ चीला बेसन का, खूब सारी वेजीज ऐड करके बनाऊँगी। और वीकडे है, काफ़ी जल्दी जल्दी काम करना रहता है, इसीलिए कोई भी वेजी मैं हाथ से चॉप नहीं कर रही हूँ। ऐसे हेक्टिक वीकडे मॉर्निंग में ना इलेक्ट्रिक चॉपर बहुत हैंडी रहता है, तो मैंने सारी वेजीज एक साथ इसके अंदर डाल के बारीक बारीक चॉप कर लिया है। कभी पराठे बनाने हो, मिक्स वेज या चीला वगैरह बनाना हो, उसके लिए वेजीज़ वगैरह चॉप करना ना इसमें बहुत ईजी हो जाता है। तो सारी वेजीज़ चॉप करने के बाद जस्ट मैं बेसिक मसाले इसमें ऐड करूँगी। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर और नमक, और बस मिक्स करने के बाद गर्मा गर्म चीले बना के रेडी करूँगी ब्रेकफास्ट के लिए। आजकल मुझे ये कास्ट आयरन का पैन यूज़ करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इससे ना खाने का टेस्ट एक अनदर लेवल पे चला जाता है, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा होता है इसे यूज़ करना। और अगर आप रुजुता दिवेकर के फ़ैन हो तो आपको पता होगा कि वो हमेशा सजेस्ट करती है ब्रिंग बैक मेटल्स इन योर किचन, सो आई रियली लाइक यूजिंग इट। सो यहाँ पे मैं इस पर बढ़िया से अपने चीले बना के रेडी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। चाय भी बन गई है और यहाँ पे एक एक करके चीला गर्मा गर्म मैं सर्व करूँगी अपनी फैमिली को। ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म हो चुका है, मैंने किचन भी वाइंड अप कर दी है। अब मैं बाहर की क्लीनिंग करूँगी। ये जो मेन लेवल है ना, इसको ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है। इस टाइम पे ये वाला फ्लोर तो इतना ज़्यादा मेसी होता है, हर तरफ सामान ही सामान, टॉयज़ ही टॉयज़ रहते हैं। रात को कितना भी क्लीन अप करके सो, बट छोटे बच्चों के घर में ना टॉयज़ फिर से सुबह से ही फैलना शुरू हो जाते हैं। तो अब धीरे धीरे करके मैं पूरे घर को ऑर्गेनाइज़ करूँगी, नीट एंड क्लीन करने की कोशिश करूँगी। जितनी मुझ में ताकत है उतना काम तो मैं करती हूँ, एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ, बट हाँ देर आर डेज जब कुछ नहीं हो पाता है तो फिर ऐसे ही पड़ा रहता है घर। तो यहाँ पे मैंने टेबल रनर चेंज किया है, वाइट कलर का टेबल रनर लगा रखा था, वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो गया था, एक हफ्ते में ही डर्टी हो जाता है, तो मैं चेंज कर देती हूँ। और ये मेरी जो चेयर्स हैं, ये भी कपड़े वाली हैं, तो इन पे भी थोड़ी बहुत कपड़ा मार दो ना तो क्लीन रहते हैं। इसके भी कवर्स मैं ढूंढ रही हूँ अभी अमेज़ॉन पे, मिलेंगे तो मैं ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि ना बच्चों के साथ अगर ऐसे कपड़े वाली चेयर हो तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, क्योंकि बच्चे खाना गिरा ही देते हैं। और ये है मेरा डाइनिंग टेबल का सेटअप, जो मैंने बहुत ही मिनिमलिस्टिक तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि अगर ज़्यादा सामान रखो ना तो डाइनिंग टेबल एकदम क्लटर्ड लगती है, और मेरी डाइनिंग टेबल बहुत बड़ी भी नहीं है। और अब मैं आ गई हूँ प्ले रूम में। इसकी हालत अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सब तरफ आपको टॉयज़ ही टॉयज़ दिखाई देंगे। अभी मैंने गोविंद को बुलाया है, वो हेल्प करेगा मुझे टॉयज़ क्लीन अप करने में। मैं इतना झुक के सारे टॉयज़ वगैरह नहीं पिक करती हूँ, और वैसे भी अगर बच्चों को टॉयज़ क्लीन अप में आप लगाएं तो उनकी भी हैबिट बनी रहती है क्लीन अप करने की। वैसे भी यहाँ पे स्कूल्स में बच्चों को क्लीन अप करना सिखाते ही सिखाते हैं, तो वाई नॉट एट होम, सो बच्चों को लगाना चाहिए ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए। और जब भी कोई भी बाहर से आता है ना, सारी जैकेट्स इसी रूम में बेड पे छोड़ देते हैं, कोई भी खुद क्लॉज़ेट में नहीं लगाता। ये हर रोज़ मेरी ड्यूटी होती है सुबह सुबह सबकी जैकेट्स को वापस से कोट क्लॉज़ेट में लगाना, इंक्लूडिंग मी। मैं भी अपनी जैकेट यहीं पे छोड़ देती हूँ बाहर से आने के बाद, तो अभी इन सबको भी इकट्ठा करके वापस कोट क्लॉज़ेट में लगा दूँगी। आप लोगों ने तो देख ही लिया है मेरे घर की हालत मॉर्निंग में कैसी होती है। कभी कभी तो मुझे फीलिंग होती है एज इफ वी आर शिफ्टिंग समवेयर, हर तरफ सामान ही सामान, टॉयज ही टॉयज फैले रहते हैं। बट चलो अभी सब क्लीन अप हो गया है। आप लोग बताना आप लोगों के घर की हालत कैसी होती है मॉर्निंग में। अभी मैं क्विकली जाके शावर वगैरह लूँगी जब तक ये अपना खेलता रहेगा। मैं जाने से पहले लंच में जो भी कुछ कुक होना होता है ना, वो सब काउंटर टॉप पे निकाल के रख जाती हूँ। अंशुल को अगर ऑफिस से थोड़ा सा भी टाइम मिलता है ना तो वो चॉपिंग वगैरह में मेरी हेल्प कर देते हैं, और अगर कोई चॉपिंग करके दे देना, ट्रस्ट मी, ऐसा लगता है
80% काम खत्म हो गया, बस 20% अब आपको बस कुक करना है। तो आज मैं लंच में वेज कोरमा बना रही हूँ जिसमें बहुत सारी वेजीज जाती हैं, तो मैंने सब काउंटर टॉप पर निकाल के रख दी थी। उनको ऑफिस से थोड़ा सा टाइम मिला होगा तो उन्होंने नीचे आके सब चॉपिंग वगैरह करके मुझे दे दिए। अब मैं क्विकली अपनी सब्जी रोटी बना के रेडी करूँगी। यहाँ पे है सोयाबीन, पीज एंड कॉर्न जिससे मैं 2 मिनट माइक्रोवेव कर लूँगी। ये भी वेज कोरमा में मैं ऐड करती हूँ, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। इन द मीन टाइम ये मेरा कास्ट आयरन का पैन है जिसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रही हूँ आजकल। इस पर ऑयल डाल के मैंने गोभी और गाजर को थोड़ा सा सौते करना है। इसमें ना आप ब्रोकली वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो भी सब्जी बेसिकली आप खाना पसंद करते हैं, बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो भी फ्रिज में सब्जियां थी वो मैंने आज यूज़ की हैं। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने घी में जिंजर गार्लिक, अनियन को सौते करने के बाद टमेटोज को मैं सौते कर लूँगी और उसके बाद इसकी प्योरी बना लूँगी। ये वाली सब्जी अगर आपके बच्चों को पनीर खाना पसंद है ना, इस ग्रेवी के साथ बहुत टेस्टी लगेगी। आप वेज कोरमा बनाना, इसमें बहुत सारी सब्जियां चली जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सोयाबीन, पीज एंड कॉर्न जो माइक्रोवेव किया था वो भी ऐड कर दिया है पैन में, जिससे कि वो भी थोड़ा सा सिक जाएंगे और उनका रॉ फ्लेवर चला जाएगा। इस टाइप से अगर आप कास्ट आयरन के पैन पे सब्जियां सौते करके यूज़ करते हैं ना, उनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हल्का सा मैंने नमक भी ऐड कर लिया था सब्जियों में जिससे थोड़ी सी वो गली गली सी हो जाए। तो ये देखिए सारी सब्जियां कुक हो चुकी हैं। पनीर भी मैं इसमें ऐड करूँगी, बट पनीर मैं कुक नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ ना वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे सेम पैन में मैंने घी में सारे खड़े मसाले ऐड किए और जो प्याज टमाटर की प्योरी बनाई थी वो ऐड कर ली है। थोड़ी देर प्योरी को कुक कर लूँगी, 3-4 मिनट, उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले में कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने ग्रीन चिलीज नहीं ऐड की हैं। और 2 चम्मच इसके अंदर मैं शाही पनीर मसाला ऐड करूँगी, ये MDH का शाही पनीर मसाला है। मसालों को अच्छे से ग्रेवी के साथ कुक कर लूँगी। उसके बाद 2 से 3 चम्मच इसमें मैं कर्ड ऐड करूँगी रिचनेस के लिए। आप चाहें तो हैवी क्रीम ऐड कर सकते हैं, चाहें तो आप मिल्क ऐड कर लीजिए, बट मेक श्योर करिएगा कि मिल्क रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। और अगर दही ऐड करते हैं तो वो भी रूम टेम्परेचर का, ऐसे चलाते चलाते ऐड करिएगा, अदरवाइज़ वो कड़वी कर जाएगा। उसके बाद सारी सॉर्टेड वेजिटेबल्स मैं ऐड कर दूँगी और पनीर ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो पनीर को भी सेक सकते हैं, बट मैंने कच्चा ही रखा है। और ऊपर से नमक ऐड कर दूँगी, नमक मैंने सब्जियों में भी ऐड किया था तो अकॉर्डिंगली ऐड करूँगी। और ये देखिए हमारी वेज कोरमा एकदम रेडी है। इसको थोड़ी देर में ढक के स्टैंडिंग टाइम दे दूंगी और लास्ट में इसमें थोड़ी कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी और फ्रेश क्रीम। आज मेरे पास फ्रेश क्रीम नहीं थी, अगर आपके पास हो तो फ्रेश क्रीम भी ऐड करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। एंड अगेन बोलूँगी, अगर आपके बच्चों को पनीर की सब्ज़ी खाना पसंद है ना, ये वाली ग्रेवी के साथ एक बार आप वेज कोरमा ट्राई करिएगा। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, वो इतनी सारी वेजीज पनीर के चक्कर में खा लेंगे। लंच के बाद गोविंद का फ्रेंड आ गया था उसके साथ खेलने। आजकल बच्चों का स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है ना, तो स्कूल ऑफ है, तो उसका फ्रेंड आ गया है, वो दोनों खेल रहे हैं। तब तक मैं अपनी किचन वाइंड अप कर लूँगी। जो भी जिस टाइम के बर्तन होते हैं ना, वो मैं साथ की साथ डिश वॉशर में लोड करती जाती हूँ जिससे कि बहुत ज़्यादा क्लटर ना हो किचन में। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था, प्रिया, इंस्टेड ऑफ हॉट वाटर बॉटल आप हीटिंग पैड लेना। मुझे भी लगा कि यार हॉट वाटर बॉटल में ना बार बार गर्म पानी करके ऐड करना पड़ेगा और आलस के चक्कर में मैं अपने बैक पेन के लिए उसे यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए मैंने वॉलग्रीन से ये हीटिंग पैड लिया। काफ़ी अच्छा है, इसमें मसाज ऑप्शन भी है और हीट ऑप्शन भी है। मैं फ़िलहाल बस हीट ऑप्शन ही यूज़ कर रही हूँ, इसका हीट ऑप्शन से मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन है बैक पेन में, तो ये मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर किसी को मेरी तरह बैक पेन है तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो। अभी बस गोविंद का फ्रेंड चला गया है, इसके साथ मैं भी थोड़ी देर नैप करूंगी, रेस्ट करूंगी। तो जी अभी है शाम का टाइम, मुझे सोते सोते ना कुकर की विसल सुनाई दी, मुझे लगा मैं देख के आती हूँ मेरी किचन में क्या हो रहा है। नीचे आई तो देखा पोटैटो बॉयल हो रहे थे यहाँ पे और तैयारी चल रही है
वेजी बर्गर बनाने की। एक्चुअली मैं अंशुल को 2-3 दिन से बोल रही थी कि मुझे मैकडोनल्ड्स का वेजी बर्गर खाना है। US में ना मैकडोनल्ड्स में कुछ भी वेजिटेरियन अच्छा मिलता नहीं है, सो ही सेड मैं तुम्हारे लिए किसी दिन घर पे बनाऊंगा, तो आज वो मेरे लिए बना रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल मेरे हस्बैंड इतना अच्छा कुक करते हैं। इस टाइम पे ना बहुत क्रेविंग्स होती हैं खाने की, डिफरेंट डिफरेंट खाना, बहुत यूनिक सा खाना कभी कभी खाने का मन करता है, तो अगर किसी को आता है आपके लिए कोई बना दे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे सारी सब्जियाँ बेसिक मसालों के साथ सौते कर ली गई हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया है क्योंकि आजकल मुझे स्पाइसी फूड नहीं डाइजेस्ट हो पाता है ठीक से। और सब्जियाँ सौते करने के बाद ये पटेटो को भी मैश करके रख लेंगे, फिर इनसे टिक्कियाँ बनाएंगे जिससे कि पटेटो भी रूम टेम्परेचर पे आ जाए, मैनेजेबल हो जाए। घर पे बंस वगैरह कुछ भी नहीं थे आज बर्गर बनाने के लिए, इसीलिए हमने सोचा चलो वॉलमार्ट जाते हैं, वॉलमार्ट से बंस वगैरह भी ले लेंगे। और मुझे गोविंद के लिए थोड़े बहुत कपड़े भी देखने थे तो वॉलमार्ट आई थी, तो मैंने कहा चलो ये काम भी कर लेते हैं। मैं गोविंद के ना कपड़े अक्सर आइधर कॉस्को से लेती हूँ या फिर वॉलमार्ट से लेती हूँ। मुझे लगता है कि बच्चों के कपड़े ना थोड़े से इनएक्सपेंसिव हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े में इन्वेस्ट करो ना तो बच्चे बहुत जल्दी आउटग्रो कर जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और वॉलमार्ट के कपड़े ऐसे होते हैं कि आप एक सीज़न आराम से बच्चों को पहना लो। ये देखिए मेरे मेथी प्लांट्स, छोटे छोटे सैपलिंग्स निकलना स्टार्ट हुए हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही मेथी मैंने सो की थी और धीरे धीरे करके प्लांट्स निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको निकलते हुए देखना। आई जस्ट कांट वेट जब ये बड़े होंगे तो मैं इन्हें तोड़ के अपने किचन के लिए यूज़ करूँगी। लास्ट ईयर तो मेरी मेथी बहुत अच्छी निकली थी और मैंने बहुत बार इसे यूज़ किया अपने कुकिंग में। तो चलिए मैं क्विकली आपको वॉलमार्ट का सामान दिखा देती हूँ। ये हम वॉलमार्ट से 100% होल व्हीट बंस लेकर आए हैं बर्गर बनाने के लिए। गोविंद को आजकल पॉ पेट्रोल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, हर चीज़ जिस पे पॉ पेट्रोल बनी होती है उसे लगता है मुझे चाहिए। तो उसने अपने लिए वाटरमेलन जूस लिया है और ये है व्हिपिंग क्रीम, बिकॉज़ आई वाज आउट ऑफ इट तो मुझे लगा चलो एक छोटा पैक ले लेते हैं। और ये मैं कुछ कपड़े उसके लिए लेकर आई हूँ, टी शर्ट्स की ज़रूरत नहीं थी, मुझे पैंट्स ही चाहिए थी तो मैंने ये पैंट्स लिए हैं। एक ही मटेरियल में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ले लिए तो एक सीज़न आराम से इन पैंट्स से निकल जाएगा। ये एक मैंने डायनासोर प्रिंट में लिया है, सेम ही मटेरियल में एक ब्लैक और एक बेज कलर ले लिया है। काफ़ी अच्छा कॉटन का मटेरियल है, ब्रीदेबल है। जब बच्चे बाहर वगैरह खेलने जाते हैं ना स्प्रिंग सीजन में अभी, तो ना तो आप हाफ पहना सकते ना आप गर्म पैंट पहना सकते, तो मुझे लगता है ये वाला मटेरियल एकदम परफेक्ट रहता है। और एक मुझे ये डेनिम के शॉर्ट्स भी उसके लिए पसंद आ गए थे तो मैंने एक ये ले लिए, ये भी बहुत अच्छे से लगे। तो ये है मेरा क्विक वाला वॉलमार्ट का शॉपिंग हॉल। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे बर्गर की कैसे तैयारी चल रही है। ये टिक्कियाँ बना के रख ली गई है, यहाँ पे लिजाम बना लिया है और लिजाम लगा के ब्रेड क्रम्स में टिक्कियों को अच्छे से कोट किया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पे टिक्कियों को सेका जाएगा, बहुत ही कम घी में शैलो फ्राई किया है तो काफ़ी गिल्ट फ्री बंस बनेंगे। बहुत टेस्टी बने थे, ट्रस्ट में मज़ा आ गया था उस रात को हमें बंस खा के। यहाँ पे सब टिक्कियाँ सेक ली गई हैं और अब बर्गर को असेंबल किया जा रहा है। चाहो तो ऐसे टिक्कियाँ बहुत सारी वेजीज डाल के आपने टिक्कियाँ बना ली और आलू चाट टाइप भी खा सकते हो, बट मुझे बन ही खाना था, बर्गर ही खाना था तो अंशुल उसको असेंबल कर रहे हैं, थोड़ा अनियन स्लाइस, पनीर स्लाइस, चीज़ स्लाइस और टमेटो वगैरह लगा के। एंड ट्रस्ट भी बहुत अच्छा बना था, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, बताइएगा किस किस के मुंह में पानी आया ये बर्गर देख के। मैंने इंस्टाग्राम पे भी इसकी फ़ोटो पोस्ट की थी, सब लोग बोल रहे थे वेरी यमी। अगर आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं करते तो सारे क्विक अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए दोस्तों मेरी आज की वीडियो यहीं तक की थी, होप करती हूँ आपने इन्जॉय की होगी। अगर इन्जॉय की है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा सारे क्विक अपडेट्स के लिए। मैं आपको मिलती हूँ फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखो, अपना खुश रहो, मुस्कुराते रहो, टेक केयर, बाय। फायर फाइटर एंड अग्रवाल, हेलो, व्हेन देयर इज अ फायर यू नीड टू होज एंड स्लोली प्लग इट इन एंड फास्टेस्ट and stop, drop and roll. Don't panic when the fire comes.
Okay, I have a surprise. Ta-da! What is that? Roy the fire truck.